वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव जयशंकर प्रसाद ने बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट को जारी किए जाने सहित विभाग के अन्य कार्यों की समीक्षा की। गोरखपुर के NIC हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में संयुक्त शिक्षा निदेशक योगेंद्र नाथ सिंह सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान विशेष सचिव जयशंकर प्रसाद ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड का रिजल्ट घोषित किए जाने के संबंध में चर्चा की और छात्रों का डेटा अपलोड करने के निर्देश दिए, जिससे छात्रों का रिजल्ट सुचिता पूर्वक जारी किया जा सके। उनको आप क्या बोलते हैं, उनको ऐड कराइए, ऐड कीजिए, समीक्षा करें, समीक्षा करें, इसका क्या और 400 अलग, बिल्कुल अलग तरह की फाइंडिंग है सर कि छुट्टी के दिन भी काफ़ी परसेंटेज, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन काफ़ी टीचर, कुछ ऐसे स्कूल जहां एक एक दिन में एक स्कूल में 1000 के ऊपर चैटिंग होती है और वो बूस्टअप होते हैं। हमने इस पर सर एक चीज़ ये भी किया था कि अलग अलग एक दिन गवर्नमेंट स्कूलों की पूरे मंडल की आज शेयर किए थे, अगले दिन डायरेक्ट स्कूलों की दो खंड में की थी, फिर दो दिन लगातार दो दो खंडों में सेल्फ फाइनेंस स्कूलों की अलग से जो मीटिंग। आप लोग जो है क्या बोलते हैं कि टीचर स्कूल से आपके जुड़ेंगे ग्रुप से या घर से, कैसे करेंगे, क्या प्रोग्राम बनाया आप लोगों ने? पता नहीं, अभी ये तो सेकेंड वेव है, फिर थर्ड वेव की बात कर रहे हैं, फिर थर्ड के बाद फोर्थ की बात भी होगी। अब ये मान के चलिए कि हमें इसके साथ ही जो है जीना है, तो ऐसी स्थिति में हमें अपने आप को उस ओर ले जाना होगा। अब जैसे इस बार हमें अपने रिजल्ट बनाने के लिए कितनी कवायद करनी पड़ी और कितना उसमें जो डेटा कलेक्ट हुआ है उसकी कितनी जो है क्रेडिबिलिटी है आप भी जानते हो, और टाइम से जो पिछली बार जो कैलेंडर था उससे परीक्षाएं हो नहीं पाई, जो 6 मंथली परीक्षा होनी थी, प्री बोर्ड होना था, परीक्षाएं हुई नहीं, उस कारण से रिजल्ट तैयार करने में या जो प्रक्रिया बहुत हम जो है हम लोग को बहुत मेहनत करनी पड़ी। तो इस बार इसको शुरू से ही देख लें कि जो शैक्षिक कैलेंडर है उसका 100% उसका जो है पालन सुनिश्चित हो, और जो भी विद्यालय स्कूल इसको जो है शिकायत करते हैं अगर उसका पालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, इवन उनकी मान्यता प्रत्याहरण की कार्रवाई की जाए। कोई नहीं कि हाँ साहब वो लास्ट मोमेंट में ये हुआ कि परीक्षा करा नहीं पाए और कोविड आ गया तो क्या करें, रिजल्ट निकालते सबको पास कर दे सबको फेल कर दे, फिर ये कहानी नहीं। तो ये डायरेक्टर साहब यहीं बैठे हुए हैं और वहाँ पे AD माथी बैठे हुए हैं और ये हमारे जो है क्या बोलते हैं दीपकांत जी बैठे हुए हैं, हम इनसे अनुरोध करेंगे कि ऐसा सर्कुलर जारी कर दिया जाए कि 100% जो इसका हमारा जो कैलेंडर है उसका कंप्लायंस सुनिश्चित हो और इसमें किसी स्तर पे कोई भी लापरवाही होती है तो हम सब जिम्मेदारी के लिए होंगे। मीटिंग के माहौल को हल्का न करिए। आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट आपसे रिलेटेड है, ऑनलाइन ट्रांसफर में रियायत की भूमिका है आज से लेकर परसों तक। ये सभी लोग गंभीरतापूर्वक इसको सुने क्योंकि इसमें जरा भी लापरवाही हमारा ऑनलाइन ट्रांसफर खराब कर सकती है और इसके भयावह परिणाम हो सकते हैं, इसलिए उसको बहुत ध्यान रखना। क्योंकि ये ऑनलाइन जो पोर्टल है हमारा ये पब्लिक के लिए ओपन है, तो सबसे बड़ी संभावना रहती है कि कोई भी जो टीचर नहीं है राजकीय माध्यमिक विद्यालय में, जो टीचर नहीं है, मान लीजिए उसने फॉर्म भर दिया और वो फॉरवर्ड हो गया, पता चला कि वो ट्रांसफर करा के कहीं दूसरी जगह पहुंच के ज्वाइन कर लिया, तो ये बहुत ही भयानक स्थिति हो जाएगी। इसीलिए हम लोगों ने चेक रखा हुआ है कि DRS जो है पहले उसको चेक करेगा, देखेगा कि वो वास्तव में टीचर है कि नहीं है, उसके बाद ही ऑनलाइन वो फॉरवर्ड करेगा। पिछले साल समस्या ये आई थी कि जिस दिन लास्ट डेट रखा गया था उस दिन सारे DRS लोग जो है उसको अपना फाइनल लॉक नहीं लगा पाए थे, तो अनुरोध है कि आपके पास कल का टाइम है, परसों का टाइम है, फॉर्म जैसे ही आ जाए उसको देख लीजिए कि उसने वो राष्ट्रीय टीचर है कि नहीं है, उसने जो एग्जाम्स लगाए हैं उसने सही लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं, चेक करने के बाद तब उसको अपना माइंड का अप्लाई करते हुए उसको तब आप लोग फॉरवर्ड करिएगा। और जो हम लोगों की टाइमलाइन दी हुई है
सब्सिडी के हिसाब से ही आपको नहीं तो आपको चार जुलाई की शाम तक उसको फाइनल लॉक कर देना है। यदि आप अभी फॉरवर्ड भी कर रहे हैं, दो पोर्टल हमारे चल रहे हैं, एक प्रिंसिपल का है और एक टीचर का है, तो दोनों को फॉर्म फॉरवर्ड अगर आपके पास आ रहे हैं देखिए फॉरवर्ड कर दीजिए, लेकिन फाइनल लॉक मत करिएगा। फाइनल लॉक आप तभी करिएगा कि जब आपके जनपद के सारे टीचर्स का कंसीडर कर लिया आपने। आज रात को 12 बजे तक टीचर्स को फॉर्म भरने की लास्ट डेट है और वो कल तक आपके यहाँ सारे एप्लीकेशन उसकी हार्ड कॉपी है, अगर उन्होंने कोई एनेक्शन लगाया है तो वो आपके पास तक वो पहुँचा देंगे, ये निर्देश में लिखा हुआ है।